प्रभुपाद की जय। सो आज हम वापस ये जो 54वां सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का, उसका आज ये थर्ड डिस्कशन है। और वो सूत्र जो नारद भक्ति सूत्र में लिखा है 54वां, इस प्रकार है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अभी छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, कि ये जो शुद्ध भक्ति है ये भौतिक गुणों से रहित है, भौतिक कामनाओं से रहित है, हर क्षण इसमें वृद्धि होती रहती है, अविच्छिन्नम अप्रतिहता अनइंटरप्टेड, कोई इसमें रुकावट नहीं आती, सूक्ष्मतरम बहुत ही सूक्ष्म है और अनुभव रूपम इसका अनुभव किया जा सकता है। सो इस पर डिस्कशन करते हैं मंगलाचरण के बाद। आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तनाय कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पन्दौ चित्रौ छन्दौ तमोन्नतौ पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो यहाँ पर नारद जी बात कर रहे हैं शुद्ध भक्ति के लक्षणों की। तो इन लक्षणों में से हमने गुण रहितम डिस्कस कर लिया था, सूक्ष्म तरम हमने डिस्कस कर लिया था, प्रतिक्षण वर्धमानम कल हमने इस पर चर्चा की थी। तो आज कामना रहितम और अनुभव रूपम इस पर बात करके इसको आज कंक्लूड कर देंगे। इसको तीसरा दिन हो गया इसी सूत्र के ऊपर। सो जहाँ तक कामना रहितम की बात है, तो हमारे जो आचार्य वो बोल रहे हैं कि जो भक्ति है, अगर कामना उसके अंदर है, अगर स्वार्थ है उसके अंदर, तो एक्चुअली में वो भक्ति नहीं है, वो बिजनेस डीलिंग है। कि हमने भगवान के लिए कुछ किया, अब हम ये देख रहे हैं कि भगवान हमारे लिए क्या करने वाले हैं। तो ये बिजनेस डीलिंग है, वणिक वृत्ति है, ये एक्चुअली में शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति का लक्षण ही यही है कि इसमें कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि जितने भी अन्य अभिलाषाएं हैं वो सब शून्य होनी चाहिए, बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और ज्ञान और कर्म इत्यादि जो विभिन्न फील्ड्स हैं, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उनसे भी ऐसा नहीं कि ज्ञान से प्रभावित हो रहा है या कर्म से प्रभावित हो रहा है स्वर्ग आदि लोगों में जाने के लिए, या ज्ञान के चलते इम्पर्सनल लिबरेशन ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना चल रही है, धर्मत काम मोक्ष। सो इन सबको बेसिकली छोड़कर अनुकूल है ना कृष्णानुशीनलम भक्तिरुत्तमा। सो अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना, यही बेसिकली भक्ति है। तो ये अनुकूल भाव जो है, ये अनुकूल भाव ही तभी आएगा जब ये पहले की सारी कंडीशंस जो शर्तें हैं वो पूरी हो जाएंगी, कि कोई भी किसी भी तरह की कृष्ण इतर इच्छा व्यक्ति के, भक्त के, साधक के मन में नहीं रहेगी। अगर इच्छा है तो फिर अनुकूल भाव नहीं हो जाएगा, फिर तो अपने लिए अनुकूलता है, कृष्ण के लिए अनुकूलता नहीं है। और अनुकूलता का मतलब हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद सब बता रहे हैं कि अनुकूल का मतलब है कि कृष्ण को संतुष्ट करना,
तो जब कृष्ण को संतुष्ट करने की बात आ रही है, तो जब संतुष्ट करेंगे तो एक कामना आ गई वहाँ पर कि हमने कृष्ण को संतुष्ट करना है। अब ये संतोष कि जो कृष्ण को संतुष्ट करना है, ये जो कामना है, श्रील प्रभुपाद ने बोला सेव एंड एक्सेप्ट, कि केवल यही एक कामना, ये डिज़ायर रह जाती है। इसके अतिरिक्त कोई भी स्पिरिचुअल या कोई भी मटेरियल डिज़ायर नहीं रहती। ऐसा भी नहीं सोचते कि हम आध्यात्मिक जगत में जाना चाहेंगे, मुमुक्षु भी वहाँ जाना चाहते हैं हम, या हम ये काम करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम इधर जाना चाहते हैं, कोई सब खत्म हो जाएगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु कित, वही मैं आपकी अहेतु की भक्ति मांगता हूँ, ये मेरी डिज़ायर है। तो क्या डिज़ायर है आपकी? मेरी डिज़ायर ये है कि मुझे डिज़ायरलेस भक्ति आप प्रदान कर दीजिए। मुझे कोई सुंदर स्त्री, सुंदर पति, या मुझे कोई भी जैसे धन इत्यादि की कामना, ज्ञान की कामना, अनुयायी, हजारों अनुयायी आ जाए। वो अनुयायी आने होंगे आपके दया से, आप भेजना चाहोगे किसी को मार्गदर्शन लेने के लिए, आप भेज दोगे, नहीं आप भेजना चाहोगे, हम परफेक्टली हम संतुष्ट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आएंगे हम भरसक प्रयास करेंगे आपके चरणों में उनकी कॉन्शियसनेस को लगाने के लिए, अगर नहीं आएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनके पास आ रहे हैं, आपने आपकी आपको विशेष दया है आपकी उनके ऊपर कि वो लोग सक्षम हैं हजारों लोगों का ध्यान रखने के लिए, वेल आपने उन पे उनके पास हजारों लोग भेज दिए, हम बहुत खुश हैं। हमें हमारे पास अगर कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कामना नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि हमारे लाखों हजारों हमारे अनुयायी बन जाए, शिष्य बन जाए, ऐसी हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे हम मना भी नहीं करेंगे। हाँ, तो हमारे आचार्य एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक भक्त होता है जो पूरी तरह से जो भौतिक ऐश्वर्यों से ईर्ष्या ही करता है, वो कि नहीं चाहिए, नहीं मैं नहीं देखना चाहता इसकी तरफ। और एक भक्त होता है जो निर्विकार होता है, मिलेंगे ठीक है, नहीं मिलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भक्त घृणा करते हैं भौतिक ऐश्वर्यों से, भगवान उनको नहीं देते, ये तो घृणा कर रहा है, क्यों इसको परेशान करो देकर, वैसे ही भगवान उसको रखते हैं। और जैसे कोला बेचा श्रीधर है, वो देंगे ही नहीं उसको, वैसे ही पूर्णता है, संतुष्ट है वो। रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो घृणा कर रहे थे भौतिक ऐश्वर्य से, भगवान ने ले लिया, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मैं तो आपकी संतुष्टि चाहता हूँ। भगवान ले लेंगे भक्त के उसकी वृत्ति देखकर। और जो भक्त निर्विकार हैं और भगवान को लगता है कि हाँ ये इसको ऐश्वर्य दे के सेवा में नियोजित कर देगा, उसको भगवान दे भी देते हैं ऐश्वर्य। अब जैसे सुदामा जी हैं, सुदामा जी पहले घृणा कर रहे थे भौतिक ऐश्वर्यों से, भगवान ने नहीं दिया उनको, बिल्कुल गरीबी के अंदर रह रहे थे, लेकिन अपनी पत्नी पर दया करने के लिए वो शिफ्ट हो गए, भौतिक ऐश्वर्य से घृणा करने वाले लेवल से शिफ्ट हो गए कि चलो मैं निर्विकार हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान ने ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, चलो ये लो भाई, अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं दे देता हूँ, घृणा करते नहीं देता मैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया कि हमें किसी भी वस्तु की कामना नहीं, हमें तो बस आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, बस वही बात हमारी चलेगी। ये कामना जो है, ये कामना हम एक जो भक्त है अपने हृदय में हमेशा संजो के रखता है। जब बृहद भागवत मित में एक वर्णन आता है, जब उत्तरा जो है वो परीक्षित महाराज से प्रश्न पूछ रही है, और उत्तरा कह रही है कि कामना के बारे में बात कर रही है, और उत्तरा पूछ रही है कि जो गोपी हैं उनकी क्या गति होगी। हर भक्त है उसकी कोई ना कोई गति होगी ना,
इस भौतिक संसार के अंदर जो भी भक्त हैं उन्होंने सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया शुद्ध भक्ति का। तो अलग अलग तरह के भक्त हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, अमाधुर्य में भी गोपियों के बिल्कुल परिक्रिया में भी पराकाष्ठ है। तो उत्तरा ये पूछ रही थी परीक्षित महाराज से कि ये गोपियों की क्या गति होगी। तो उस समय उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न आपके सामने रखता हूँ मैं। और उत्तरा ने बोला, ये सर्व नैरपेक्षेण राधा दास्य इच्छवः परम संकीर्तयन्ति तन्नाम तादृश प्रियता मया, कि ये जो गोपियाँ हैं ये हमेशा ही भगवान के नामों का जप करती रहती हैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ, प्रेम के साथ में, और कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है वो, बिल्कुल एक बूंद भी और जैसे जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती, वैसे बिल्कुल परिपूर्ण है, फुल ऑफ कृष्णा प्रेम। और बोले कि वो हर चीज़ से प्रति उदासीन है, कोई भी वस्तु है उसके प्रति उदासीन है, वो किसी वस्तु के प्रति उनके आसक्ति नहीं है, लेकिन वे केवल श्रीमती राधा रानी के चरणों के जो है वो अनुगत्य, उनके सेवा, उनके सेविका बनना चाहती हैं वो, ये उनके हृदय में ये कामना है उनकी। तो इस प्रश्न के माध्यम से वो ये आगे भी कई और बात चल रही थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गोपियाँ हैं वो हर चीज़ के प्रति उदासीन है, लेकिन राधा दास्य इच्छवा परम, लेकिन उनके हृदय में एक परम प्रगाढ़ इच्छा है श्रीमती राधा रानी का दास्य उनको स्वीकार करने की, प्राप्त करने की। चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, किसी ने पूछा कौन हो आप, तो उन्होंने बोला मैं तो ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना शूद्र हूँ, ना वैश्य हूँ, ना ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यासी, मैं तो गोपी भरतुर पद कमलोर दास दास अनुदास, मैं तो जो गोपी भरतुर कृष्ण जो गोपियों के पालन करता है, गोपियों के स्वामी है, जो उन कृष्ण के दासों के दासों का दास हूँ, दासत्व की भावना स्वीकार करना चाह रहे हैं। और भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि मेरे भक्त कहीं जाना ही नहीं चाहते, वो उनकी इच्छा ही नहीं है वैकुंठ जाने की, गोलोक जाने की, कहीं नहीं जाना चाहते, मत सेवनम बिना, जहाँ पे मेरी सर्विस नहीं है, सर्विस है तुरंत चले जाएंगे। तो ये जो सर्विस, जो सेवा, ये जो दास्य की भावना है, कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना है, ये भौतिक दृष्टि से कामना रहित की बात आती है। जैसे जब हमने गुण रहित की, हम बोलते हैं कि भगवान गुण रहित है, निर्गुण है भगवान, तो इसका मतलब है कोई भौतिक गुण नहीं है लेकिन दिव्य गुणों से भरे हुए हैं। इसी प्रकार जो एक भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, उसके अंदर जो है कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहेगी, हमेशा दिव्य धरातल पर स्थित होकर वो भगवान को संतुष्ट करने की, भक्तों को संतुष्ट करने के बारे में वो हमेशा सोचेगा। भक्तिर सामर सिंधु में रूपा गोस्वामी एक उदाहरण दे रहे हैं, और एक भक्त भगवान के सामने अपने हृदय के भाव प्रकट कर रहा है, और वहाँ पे वो बोल रहा है, ह्रियम अग हर मुक्तवा दृक पतंगी ममासव भयम अपि दमयित्वा भक्त वृंदात त्रिशार्ता निरवधिम अविचार्य स्वस्य च क्षोधिमानं तव चरण सरोजम लेढुम अनविच्छत्तीश। और बोले कि हे अघासुर का वध करने वाले, हे स्वामी, मैंने अपनी लज्जा का भी त्याग कर दिया है। भक्त अपनी लज्जा का भी त्याग कर देता है भगवान की सर्विस के लिए, फिर परवाह नहीं करता। गोपियाँ देख लो, लज्जा का त्याग करके भगवान के सेवा में लगी हुई हैं वो, उनको कोई भी आर्य जो व्यवहार है, जो भद्र स्त्रियों का व्यवहार है, जो भद्र स्त्रियों के शोभा है, त्याग दिया उन्होंने, बिल्कुल एक जैसे निर्लज स्त्री होती है,
अरे भगवान ने पुकारा अपने वंशी वादन करके, सब छोड़ छाड़ के चली गई वो। तो एक भक्त कह रहा है कि मैंने अपने लज्जा को भी त्याग दिया और मैं भक्तों के प्रति भी, अब मेरे मन में भक्तों के प्रति भी डर नहीं रहा अब मैं, कि वो क्या सोचेंगे, इसने लज्जा ही त्याग दी, अब मैं इस विषय में विचार नहीं कर रहा या कर रही। और वो कह रहे हैं कि अपने हृदय में तृष्णा रखकर, अपने हृदय में प्यास रखकर मैं अपने हृदय में मेरे इच्छा है, प्यास है, तृष्णा है, तो उसके लिए योग्यता होनी चाहिए भाई, डिजर्व करते हो नहीं करते। तो वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी जो तुच्छ स्थिति है उसकी, उसको मैं देख ही नहीं रही, अब मुझे परवाह नहीं है मेरी तुच्छ स्थिति, क्या मैं इसके योग्य हूँ भी या नहीं हूँ, मुझे अब इस बात की भी अब परवाह नहीं रही। और कह रहे हैं कि मैं, मेरी बस यही कामना है, मेरी यही इच्छा है कि चाहे मैं डिज़र्व करते नहीं करती, मेरी इच्छा है कि एक मधुमक्खी की तरह मैं हमेशा आपके चरण कमल का मकरंद, उसका मैं पान करती रह सकूं। तो ये भावना भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी ने व्यक्त किया है एक भक्त के उद्गार 3.2.107 के अंदर। ये जो भावना है, ये भावना कामना रहित के अंदर ही आती है। कामना रहित का मतलब बिल्कुल कामनाओं को शून्य करना नहीं है, जो शून्य होगा वो तो ब्रह्म ज्योति में घुसेगा भाई, वो गोलोक वृंदावन में क्या करने जाएगा वहाँ पर। तो कामना एक भक्त के हृदय में रहती है। क्यों भगवान के चरण कमलों का मकरंद पीना चाहते हैं? क्योंकि भगवान उससे संतुष्ट हो जाएंगे। मैं संतुष्ट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा उसका परवाह नहीं कर रहे, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को अच्छा लगेगा अगर कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रहे। भगवान खुद हैरान होते हैं कि मेरे चरणों में आकर ऐसी क्या खास बात है, इसीलिए तो भगवान खुद ही अपना अंगूठा चूसते हैं पैर का मुकुंद के रूप में। तो भगवान को अच्छा लगता है अगर कोई भक्त उनके चरणों की सेवा में जुटता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे आप अपने चरणों का एक, चरणों में एक रज का एक कण आप मुझे बना कर रख लीजिए, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं कण बन के वहाँ पड़ा रहूँगा और उस मकरंद को, आपके चरण कमलों के मकरंद को चूसता रहूँगा, मैं उसका आस्वादन करता रहूँगा। कितनी चतुराई है एक भक्त के वचन के अंदर। एक और आपको उदाहरण देता हूँ आपको, और यहाँ पर ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो वृद्ध, जो गोप कुमार हैं, ब्रजवासी हैं, जो वात्सल्य भाव में, पेरेंटल अफेक्शन में, जो माता पिता के भाव में भगवान के प्रति आसक्त हैं। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भूरी अनुग्रह चितेन चेतसा लालनोक्तम अभितः कृपाकुलम गौरवेण गरुणा जगत गुरोर गौरवम गणम अगण्यम आश्रय। और बोल रहे हैं कि एक भक्त बोल रहा है कि मैं जितने भी ये वृद्ध वात्सल्य भाव में जितने भी वृद्ध ब्रजवासी हैं, मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। और ये जो इनका क्या स्वभाव है जिनके हम शरण ले रहे हैं, वृद्ध ब्रजवासियों की, वो हमेशा भगवान कृष्ण के कष्टों को दूर करने के बारे में सोचते रहते हैं। ये भगवान कृष्ण को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं आनी चाहिए। जो भगवान कृष्ण की देखभाल करने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, ललायत रहते हैं, और जिनके हृदय भरे हुए हैं इच्छा से, कौन सी इच्छा से? भगवान की रक्षा करने की, उनको प्रोटेक्ट करने की इच्छा से उनका हृदय भरे हुए हैं। यद्यपि जो कृष्ण है वो पूरे जगत के गुरु हैं, पूरे जगत के स्वामी हैं, फिर भी जो वात्सल्य भाव में जो भक्त हैं वो हमेशा कृष्ण को प्रोटेक्ट करने के लिए, कृष्ण के
तकलीफों को, दुखों को हरने के लिए हमेशा चिंतित रहेंगे। हृदय में यही इच्छा रहेगी जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और रखने के बाद यशोदा माँ उनके पूरे सारे अंगों को टटोल कर देख रही थी कि भाई सब ओके रिपोर्ट है कि नहीं ओके रिपोर्ट है। और सारे जो भगवान के सखा थे उनको गले लगा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इनफैक्ट एक जब भगवान ने उठाया हुआ था तो एक भगवान का सखा कह रहा था, और थोड़ी देर के लिए श्री राम को पकड़ा लो, क्या हो गया ये जो गोवर्धन है, थोड़ी देर पकड़ा लो, या फिर ऐसा करो कि आप इसको जो गोवर्धन पर्वत है इसको बाएं हाथ से दाएं हाथ पर शिफ्ट कर लो। तो भाई क्यों शिफ्ट कर लो? ताकि हम आपके बाएं हाथ को मसाज कर देंगे, उसको हम दबा देंगे उसको, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होगा। तो हमेशा इसी बारे में सोच रहे हैं जो एक डिवोटिस हैं। हम भागवतम में देखते हैं कि भगवान कृष्ण माखन चुराने के लिए और तंग करने के लिए जा रहे हैं। वृद्ध जो ब्रज वासी हैं और वो लोग भगवान को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार तो पकड़ के यशोदा माता के पास लेके भी जा रहे हैं उलाहना देने के लिए कि देखो। तो वो भी काम इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा करने से कृष्ण को प्रसन्नता होगी। ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण को डिफिकल्टी में डालना चाहते हैं, वो डिफिकल्टी में डाल रहे हैं क्योंकि कृष्ण को अच्छा लगेगा। हर उनका जो कार्य है ब्रजवासियों का, वो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। जैसे जब भी किसी राक्षस ने अटैक किया भगवान कृष्ण पर, तो सारे जो वृद्ध गोपियाँ हैं, यशोदा माता है, रोहिणी माता है और सर आसपास की गोपियाँ, सब भगवान को गोमूत्र से और गोबर से, घी से, दूध से उनको प्योरीफाई करती थी। गाय की पूँछ से उन पे जो है उनकी नज़र उतारती थी और जोर जोर से विष्णु कवच, नारायण कवच इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करती थी कि भगवान की रक्षा होती रहेगी। तो ये उनका भगवान को प्रोटेक्ट करने की इच्छा उनके हृदय में बलवती रहती है। तो इस बात से हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भगवान डिज़ायरलेस लोग नहीं चाहते, भगवान ऐसे लोग चाहते हैं जो फुल ऑफ डिज़ायर्स हों। और वो डिज़ायर्स कौन सी हैं? वो डिज़ायर्स हैं कृष्ण और उनके पार्षदों को सर्व करने वाले, उनकी सेवा करने की इच्छा करने वाले। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो भौतिक इच्छाएं ख़त्म होके आ गए, अच्छा जी बताओ क्या करेंगे भगवान। अगर ऐसे लोग आ भी जाते हैं तो भगवान भगवान की महिमा से आकर्षित हो गए और महिमा से आकर्षित होकर भगवान के पास आते हैं तो उनको घास वास बना देते हैं, पेड़ बना दिया, घास बना दिया, चलो शांत भाव में पड़े रहो। इस तरह से भगवान उन पे अनुग्रह कर देते हैं। और लेकिन अगर कोई भगवान की महिमा से आकर्षित नहीं हो रहा, उसमें भगवान की सेवा करने की अगर भावना नहीं आ रही अगर उसके अंदर, तो भगवान उसको फिर अपने धाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते, चाहे घास के तिनके के रूप में ही क्यों ना हो। जब तक भगवान के साकार रूप से आकर्षित नहीं होंगे, चाहे सेवा का भाव नहीं आया, तब भी भगवान अनुग्रह कर देते हैं। और सेवा का भाव आया फिर तो दास शांत भाव से ऊपर उठ गए, फिर तो अब दास्य साखे वात्सल्य माधुर्य किसी रस में भी स्थित होकर जो भक्त है वो सेवा करते रहेगा भगवान की। तो डिज़ायर्स कामना रहित जब हम बात करते हैं तो भौतिक इच्छाएं नहीं है, आध्यात्मिक इच्छाएं तो अनंत है। एक भक्त हमेशा प्लानिंग बनाता रहता है कि कैसे भगवान की सेवा करूं। जैसे शीला प्रभुपाद है, शीला प्रभुपाद का पूरा जीवन कामनाओं से भरा हुआ है, डिज़ायर से भरा हुआ है। कैसे पूरे संसार में भक्ति का प्रचार करना है, पूरे संसार में उन्होंने इतने विशाल ऐश्वर्यशाली मंदिरों की उन्होंने स्थापना कर दी, भगवान के विग्रह की पूजा शुरू करवा दी, तुलसी महारानी पूरे संसार में उन्होंने पहुंचा दी। ये एक भक्त की कामना होती है और भक्त की कामना के सामने भगवान भी सिर झुका देते हैं।
भगवान भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बॉम्बे में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो जुहू टेंपल है, राधा राज बिहारी मंदिर, लेकिन शिला प्रभुपाद अड़े रहे और शिला प्रभुपाद अड़े रहे, और भगवान ने जितने कष्ट शिला प्रभुपाद ने उठाए, भगवान ने भी उतने ही कष्ट उठाए उनके साथ में। भगवान भी किराए के मकान में वहाँ पड़े रहे, हट टाइप टेम्परेरी स्ट्रक्चर में भगवान वहाँ पर विराजमान रहे। भगवान ने भी शिला प्रभुपाद का पूरा साथ दिया। भगवान ने ये आपसी आदान प्रदान भक्त और भगवान के बीच में हमेशा चलता रहता है। कामना रेत को यहाँ पे छोड़ते हैं, अनुभव की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और शिला प्रभुपाद का एक कोट है उससे शुरुआत करता हूँ। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो जो मायावादी है, निराकारवादी हैं, इम्पर्सनल्स जो हैं बेसिकली, वो भगवान और उनके भक्तों के प्रति अपनी कोई मनोकल्पना बनाते रहते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण की कसौटी पर उनको कसते हैं, भगवान और उनके भक्तों को। और शिला प्रपात कह रहे हैं लेकिन भगवान, उनके भक्त और भक्ति, तीनों चीज़ें, भगवान, उनके भक्त और भक्ति, तीनों जो हैं वो प्रत्यक्ष जो अनुभव है उसके अंतर्गत नहीं है। तीनों चीज़ें अंतर्गत नहीं है। इसलिए देखो वैष्णव के बारे में बोला गया है, यार हृदय यार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान उदय। समझ ही नहीं सकता कोई क्या कर रहा है जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, कोई समझ नहीं सकता। जो शुद्ध भक्ति है, नारद जी ने पहले ही बोला है कि अगम्य, जो शुद्ध भक्ति है वो अगम्य है, भक्तों का संग अगम्य है, उसको कोई समझ नहीं सकता। और भगवान, भगवान की बात जहाँ तक करें, भगवान तो है या दोक्षज, हमारी इंद्रियों की पहुँच से ही भगवान दूर हैं। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद भी बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप भगवान को कसौटी में कसने का प्रयास मत करो, आप भगवान को देखने का प्रयास मत करो, आप भगवान को देखने की योग्यता हासिल करने का प्रयास करो। हम भगवान को देखना नहीं चाहते, हम भगवान को देखने की योग्यता हासिल करना चाहते। जब योग्यता आएगी तो भगवान भी आ जाएंगे, योग्यता मिलेगी तो भगवान दिख ही जाएंगे। बोल ही रहे हैं कि जो योग्य व्यक्ति होता है उसको भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। क्यों भक्ति प्रदान करते हैं? क्योंकि भक्ति के माध्यम से जो भक्त है वो भगवान के दर्शन कर ही लेता है। भक्ति के माध्यम से जो भक्त है वो भक्ति का भी अनुभव कर लेता है, भक्ति में उसकी प्रगति कैसे हो रही है उसका अनुभव भी कर लेता है एक भक्त। और भगवान कृष्ण भी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 2वें श्लोक में बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष भाव गमम, कि जो भक्ति है, राज विद्या राज गुह्यम, ये विद्याओं का राजा है और अनुभव किया जा सकता है, इसको अनुभव किया जा सकता है। और शिला प्रभुपाद इसके उदाहरण में शिला प्रभुपाद बोलते थे कि भागवतम 11:2:42 शिला प्रभुपाद ने कोट किया, और सैकड़ों बार शिला प्रभुपाद ने श्लोक का कोट किया कि भक्ति परेश पर ईश अनुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैश त्रिक एक काला प्रपद्य मानस्य यथा अश्नतः स्युस तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायो अनुघासम। उन्होंने बोला कि प्रपद्य मानस्य, कि एक जो जो प्रपद्य मानस है, जिसने शरण ले ली भगवान की, जिसने शरण ले ली, वो तीन चीज़ें महसूस कर लेगा। वो क्या तीन चीज़ें वो महसूस कर लेगा? कि भक्ति, उसको भगवान की भक्ति मिल जाएगी, और पर ईश अनुभव, और भगवान का साक्षात अनुभव भी कर लेगा। वो साक्षात अनुभव मतलब भगवान को देख लेगा अपनी आंखों से, वो ये रे भगवान। जैसे कृष्ण कर्णामृत में बिलमंगल ठाकुर, उन पूरी उनकी जर्नी उन्होंने दिखाई है कि कैसे उनके हृदय में इंटेंस डिज़ायर थी भगवान को देखने की, और उस इंटेंस डिज़ायर के माध्यम से और भगवान को प्रे करने 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 के माध्यम से और भगवान को देख लिया, और फिर भगवान को बोल भी दिया कि आप में अगर ताकत है मेरे हृदय से निकल के दिखा दो। बाबा भगवान निकल ही नहीं सकते, भगवान में ताकत ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं तो पराधीन हो जाता हूँ, अपने जो भक्त हैं उनके
उनके अधीन हो जाता हूँ मैं। अब उनकी मर्जी के बगैर मैं काम नहीं कर सकता। इसीलिए तो हमारे आचार्य कह रहे हैं, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति आचे, आमे तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तवा पाचे पाचे। ये कृष्ण तो आपकी संपत्ति है ओ वैष्णव ठाकुर, कृष्ण आपकी संपत्ति है, आप किसी को भी दे सकते हो। मैं कंगाल हूँ, मेरे पास वो संपत्ति नहीं है, इसलिए मैं कृष्ण कृष्ण बोलता हुआ आपके पीछे दौड़ रहा हूँ कि आपको आप कभी मुझ पर दया करेंगे, मुझे आप वो संपत्ति थोड़ी सी मुझे भी प्रदान कर देंगे, मैं भी धनी हो जाऊंगा। तो भगवान पराधीन होते हैं और जो भक्त है वो उनका साक्षात दर्शन कर लेता है, पर ईश अनुभवो भगवान के साक्षात दर्शन कर लेता है। और विरक्ति इस संसार से, विरक्ति वैराग्य, ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं प्रपद्य मानस्य, जिसने भगवान की शरण ले ली है। और कैसे इसको समझते हैं, तो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कोई भोजन कर रहा है, तो भोजन करने से उसको भोजन का स्वाद भी मिलेगा और उसका शरीर भी पुष्ट हो जाएगा और उसकी जो भूख है वो भी उसकी नष्ट हो जाएगी। तीनों चीज़ें एक साथ, हर ग्रास के साथ, अनुघासम, हर ग्रास के साथ ये तीनों चीज़ें होती रहेंगी। शरीर भी पुष्ट होगा, स्वाद भी आएगा और उसकी जो भूख है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये भगवान का अनुभव है और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो अनुभव भगवान का जो साक्षात अनुभव है, इसके लिए हमें योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। बिना योग्यता हासिल किए हम कभी भगवान का दर्शन नहीं करेंगे। और जैसे हमें योग्यता मिल जाएगी, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनायना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि जिसकी आँख में प्रेम का सुरमा आ गया, जो अब भगवान की सेवा में पूरी तरह से जो लग गया, संता सदैव, ऐसे जो साधु हैं सदैव हृदय शिव लोक अंति, हमेशा अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर ही लेते हैं। और ऐसी बात को जानने के लिए श्री नारद जी से बढ़िया उदाहरण आखिर होगा तो कौन सा होगा, कि एक दासी पुत्र है, कोई मटेरियल, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, दासी पुत्र होकर वैष्णवों की सेवा सेवा की, वेदांतियों की सेवा करते रहे, उनसे शिक्षा लेते रहे, उनका उच्छिष्ट खाते रहे, और अपनी माता के मरने पर देहांत के बाद वो जंगल में चले गए, वहाँ पर ध्यान कर रहे हैं और उनके हृदय में एकदम से भगवान प्रकाशित हो गए। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, भगवान दर्शन दे ही देते हैं भगवान। और फिर भगवान ने बोला, मैंने दर्शन दे दिए लेकिन अब दोबारा इस जीवन में नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? वो बोल रहे, विरह की भावना को विकसित करो, अपने जो ये लालच है, जो लोभ है, ग्रीड है, इसको विकसित करो, जो डिजायर है आपकी मेरा दर्शन करने की, इसको और ज्यादा प्रगाढ़ करो, तो फिर देखेंगे। और अगले जन्म में आप देख लो नारद जी, आपको एक श्लोक बताता हूँ नारद जी का, जो अगले जन्म में उनके साथ हो रहा है, और नारद जी के बारे में वहां पे बता रहे हैं कि किधर है वो वर्ष। ओके, यहाँ, हेयर इट इज, भक्तिरसामृत सिंधु में बताया कि एकम एव विविधोद्यव भाजम मंदिरेशु युगपन निखिलेशु द्वारकाम अभि समिक्ष मुकुंदम स्पंदन उज्जित तनुर मनुर मुनिर आसीत। कि जब नारद जी ने देखा भगवान कृष्ण को, एक क्षण तत्क्षण, एक ही समय में जो है अलग अलग कार्य करते हुए, अलग अलग पास टाइम करते हुए, और वो एक ही भगवान एक ही शरीर में थे, और फिर भी सभी जितनी भी रानियां थी सबके साथ वो अलग अलग तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये अद्भुत दृश्य देखकर नारद जी के पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गई, कांपना शुरू कर दिया उन्होंने हर्ष अतिरेक के कारण। तो कहाँ से नारद जी शुरू हुए थे और कहाँ साक्षात अनुभव पे नारद जी पहुँच गए, कैसे पहुँच गए, सेवा साधना के बल पे वो पहुँच गए, तो यही यहाँ पर बात कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये अनुभव लेना है तो आपको सनातन गोस्वामी
बेसिकली कह रहे हैं बृहद भागवत में कि अगर आप कोई अनुभव ले लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ वैकुंठ में ये होता है, वैकुंठ में वो होता है, वो ऐसा चलता है, वहाँ वैसा चलता है, लेकिन कितना समझ लोगे आप बताने भर से? आपको अगर पूरा एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस चाहिए, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको खुद ही वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ पे सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि न कश्चित् प्रभवेद बोद्धुम सम्यक स्वानुभवम विना एतन मात्रम ही शक्येत निरूपयितुम अंजसा, कि अगर आप खुद आप जाकर आप नहीं देख लोगे, वहाँ पे चले ही जाओ ना भाई, कौन रोक रहा है आपको जाने से, वैकुंठ में चले ही जाओ। वो कह रहे जब तक आप जाओगे नहीं, तब तक कोई भी व्यक्ति वो वैकुंठ को पूरी तरह से अच्छे से समझ नहीं सकता वो उसको। और वो बोल रहे हैं कि मैं भी इससे ज़्यादा वैकुंठ का वर्णन नहीं कर सकता, सूत्र रूप में सब लोग बात कर रहे हैं, अब कैसे बताएं कि वहाँ की गंध ऐसी है। अरे भाई सूंघोगे तो पता चलेगा ना, वहाँ पे हवा ऐसी चल रही है, अरे जाओगे तो दिखेगा ना वहाँ पे हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, कैसे होगा? अरे जाओगे तो पता चलेगा ना। इसीलिए सनातन गोस्वामी यहाँ पर एक वैष्णव के विचार प्रकट कर रहे हैं कि भाई मैं जितना बता सकता था मैंने बता दिया, अब तुम्हें अगर 100% है कि तुम समझ नहीं सकते उसको पूरी तरह से, पूरी तरह समझना है, वहाँ पे तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये कुल मिला के बात है। हरि भक्ति शुद्धोदय में लिखा है, वहाँ पर एक जो भक्त है वो भगवान के दर्शन कर रहा है, दर्शन हो गए भगवान के, और एक भक्त वहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर रहा है। हरि भक्ति शुद्धोदय में लिखा हुआ है, और ये भक्ति सामर सिंधु में भी शिला रूपक स्वामी ने कोट किया, वहाँ पे बताया कि त्वत् साक्षात करण आह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मणि अपि जगद्गुरु। आप बता रहे हैं कि हे ब्रह्मांड के गुरु, हे स्वामी, आपका साक्षात दर्शन करके मैं आनंद के सागर में डूब गया हूँ। अच्छा, अब भैया डूब गए हो का मतलब क्या होता है? तो उसके लिए वो पहले ही बता दिया कि भैया अगर डूब गए का मतलब, आनंद के सागर में डूब गए का मतलब क्या होता है, अगर आपको जानना है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। आप सोचो यहीं बैठ के हम सारी चीज़ समझ लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। योग्यता हासिल करो वहाँ जाने की, पासपोर्ट बनवा लो, भक्ति के सेवा के बल पर आपका वो पासपोर्ट बन जाएगा, पहुँच जाना वहाँ पर, कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई रोक रहा है आपको जाने से, आप खुद ही रोक रहे हो, नहीं तो कौन है जो आपको रोक रहा है, आप बता दो। तो भक्त बोल रहा है कि मैं आनंद के सागर में डूब रहा हूँ, और जितनी ये जो ब्रह्म ज्योति की जो निर्विशेष मोक्ष का जो सुख है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे एक बछड़े के खुर से जो एक गड्ढा बन गया और उसमें पानी भर गया। कहाँ आपके सुख का समुद्र है, और कहाँ जो निर्विशेष मोक्ष है, वो एक छोटा सा गड्ढा है, कोई तुलना ही नहीं है आपस के अंदर, एक छोटे से गड्ढे की समुद्र के साथ में। और वो भी समुद्र भी ऐसा समुद्र कि उसके ना तो कोई उसकी सीमाएं है, कोई सीमा नहीं है, और निरंतर बढ़े जा रहा है, वो निरंतर बढ़े जा रहा है, अनंत शेष भी उसकी सीमा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हजारों मुखों से, तो कैसे उसकी तुलना कर सकेंगे? अतुलनीय है, इनकम्पेरेबल है। अब ये कैसे है? इसके लिए भाई साहब प्रभु माताओं आपको साक्षात आपको दर्शन करना ही पड़ेगा जाके, उसके अतिरिक्त जो है कोई बात नहीं बनती। और भागवतम में भी बोला गया कि जो भगवान है वो जिनकी अनेक प्रकार से जिनकी महिमा का गुणगान हो रहा है, वो जो स्त्रियां उनके बारे में सुनी लेती हैं, उन उन्हीं का मन हर लेते हैं वो। जैसे
ब्राह्मणों की, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नी हैं, रुक्मिणी देवी हैं। सुनने मात्र से उनका हृदय चुरा लिया उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि जब सुनने मात्र से ही अगर स्त्रियों का मन आकर्षित हो जाए भगवान की तरफ, तो जो स्त्रियां साक्षात भगवान का दर्शन ही कर रही हैं, उनका क्या हाल होता होगा। उनका हाल के बारे में बात करना तो मतलब बेसिकली बेकार है बात करना। उसके बारे में बात करना तो मतलब पूरी तरह से बोला नहीं जा सकता। मुंह का आस्वादन वद ऐसे गूंगा खाने के स्वाद के बारे में बता रहा है, बस ऐसा ही है बस, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और जब भक्त भगवान को देखता है तो भगवान को क्या बोलता है, भक्ति रसामृत सिंधु 3:41 में उसका वर्णन आ रहा है कि परमात्मया अति में दूरात बत साक्षात करण प्रमोदतः भगवन अधिकम प्रयोजनम कतरद ब्रह्म विदोपि विद्यते। और बोला कि हे भगवान, आपके अंदर तो जो ब्रह्म ज्योति का सुख है, उसके उस सुख की अपेक्षा में कोटि गुना अधिक सुख से आप भरे हुए हो, क्योंकि आप परमात्मा ही हो। ब्रह्म ज्योति भी आपके ऊपर ही टिकी हुई है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठां, भगवान बोल ही रहे हैं भगवद गीता में 14:27 के अंदर। और बोल रहे हैं कि क्योंकि मैंने आपका साक्षात दर्शन करके अब मैंने उस अनंत जो सुख है उसका मैंने अनुभव कर ही लिया, तो अब मुझे ये ब्रह्म ज्योति के सुख का इच्छा रखने की कि उसका भी सुख लेके देख लेता हूँ, अब ऐसी इच्छा रखने की कोई क्या जरूरत, क्या अब कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं कि 100 रुपये में 10 रुपये पहले से शामिल होते हैं। ऐसे ही अगर भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया, अब ब्रह्म ज्योति का सुख लेने की, उसका आपको आस्वादन करने की, वो चलो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। तो हमने नारद जी के उदाहरण से देख लिया कि भगवान का साक्षात दर्शन हो सकता है अनुभव रूपा, कि भक्ति से, भक्ति भी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्ति इट्सेल्फ, वो उसको जब जो भी कोई भक्त जुड़ता है, व्यक्ति जुड़ता है भक्ति में, वो भी अनुभव कर लेता है कि मेरे अब मन में क्लेश कम हो रहे हैं। हमारा भी अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि अब हमें डरने लगता, अब हमें कोई भी स्थिति इतनी ज़्यादा विचलित नहीं कर पाती। पहले तो 24 घंटे डरे रहते थे, 24 घंटे मन आशंकित रहता था, अब वो बात ख़त्म हो गई। और अभी तो हम कितनी घटिया भक्ति कर रहे हैं उसके बावजूद। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं यही प्रत्यक्ष प्रमाण है भैया, जो लोग कर रहे हैं देख लो, उनको को रस का आस्वादन हो रहा है, कुछ उनको अनुभव हो रहा है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, उनको सुख मिल रहा है ना उनको, तभी तो उनको ये अनुभव हो रहा है, इसलिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो इसके अंदर लगे हुए हैं सारे लोग। तो भक्ति जो है वो अनुभव आप जब कर रहे होते हो साधन मुक्ति, तो भी अनुभव आता है आपको, और जब आप उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, परफेक्ट कर लेते हो जब आप अपनी भक्ति, तो भगवान के साक्षात दर्शन करवाने वाली भी यही भक्ति देवी है। तो हमें पूर्ण रूपेण इन भक्ति देवी की हमें शरण लेनी चाहिए, और अविच्छिन्न भाव से, अप्रतिबद्धता भाव से, बिना किसी रुकावट के, किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर नहीं, हर परिस्थिति में यही करेंगे हम, ऐसी भावना के साथ भगवान के सेवा में लगना चाहिए। इसको हम यहीं पे इसको विराम देते हैं।